हेलो फ्रेंड्स, फिर क्या हाल है? अच्छे हैं तो चलो आज क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ से? क्लास ट्वेल्थ टॉपिक टॉपिक क्या है? डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव, यही डेरिवेटिव है। ओके, में से एक्सरसाइज 3 1.2 क्या है? 1.2 नाम क्या है? इनवर्स फंक्शन। ये इनवर्स फंक्शन में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, राइट? 13 तक, राइट? अब हमें आगे के क्वेश्चन यानी सेवंथ वन क्वेश्चन अभी देखना है। सेवंथ वन क्वेश्चन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बेस क्या है? आपके पास 90 कन्वर्शन फॉर्म आना पड़ेगा, 90s कन्वर्शन। क्या है ये 90 कन्वर्शन फॉर्म? sin 90 माइनस थीटा, यानी कि cos थीटा था, cos 90 माइनस थीटा यानी कि sin थीटा था। ओके, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा आएगा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा आएगा। एक दूसरे के साथ रिलेटेड है ये दोनों में, और दूसरे दो रह गए कौन से? sec 90 माइनस थीटा दैट इज cosec थीटा, कभी नहीं भूलना, इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, खत्म। ये दोनों में रिलेशन है। ये होने के बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में बताए थे साइन इनवर्स बाहर है, साइन थीटा ब्रैकेट में है, इनवर्स के एंगल स्ट्रक्चर में, तो आंसर थीटा आएगा। या बाहर साइन है अंदर साइन इनवर्स है तो भी आंसर थीटा ही आएगा, मीनिंग तो सेम है। ऐसा कॉस कॉस इनवर्स आंसर थीटा, या इनवर्स बाहर आ सकता, टैन इनवर्स अंदर टैन थीटा आंसर इज थीटा। कुछ भी देने दो, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, इनवर्स एंड इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट जब दिया जाएगा एंगल उतना आंसर आता। ओके, और तीसरी बात क्या आपको बेस में आना चाहिए? तीसरी बात क्या है? डबल एंगल हाफ एंगल, डबल एंगल फॉर्मूली और हाफ एंगल फॉर्मूली, जहां पे जो फॉर्म्स यूज हो रहे। एक जो बच्चों को नोन नहीं है, इलेवेंथ में से आप पढ़ सकते हैं, अभी भी इलेवेंथ में खाली अपने चैनल पे मैथ्स इज लाइव बाय गाड़े सर टाइप कर दो, डबल एंगल फॉर्मूला डाल दिए तो आ जाएगा आपको पढ़ने के लिए, पूरा डिटेल है। हाफ एंगल फॉर्मूली, ट्रिपल एंगल फॉर्मूली, हाफ एंगल फॉर्मूली और ट्रिपल एंगल फॉर्मूली, ये सभी बातें आपके लिए आना पड़े, नहीं आएगी तो ये एक्सरसाइज के आगे आप अच्छी तरह से मैथ्स की पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप लोगों को हम बार बार वही कंफर्म करते जो हमें लगता,
तो चलो सेवंथ वन क्वेश्चन के लिए पूरे के पूरे प्रॉब्लम कन्वर्शन के, इसलिए आपके पास एक पूरा बेस होना। ओके, दिए वाले प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट तो करना है। लेट वाई इज इक्वल टू कंसीडर कर लिए कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर ले लिए हम। बाहर कॉट इनवर्स है, अंदर कॉट है, इसका मतलब सिंस बोल के और एक बार फॉर्मूला दे रहे, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ थीटा दिए वाला है तो आंसर क्या आएगा, थीटा आएगा। इसीलिए वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर, इसका ही डेरिवेटिव निकालना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, और डी डी एक्स में और किसका डेरिवेटिव निकालना है हमें, एक्स स्क्वायर का, राइट। ई रेस टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, पावर सामने लाए, एक्स का पावर एक से कम कर दिए, खत्म। फाइनल आंसर टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर। ओके चलो सेकेंड वन प्रॉब्लम फ्रॉम सेवेंथ वन क्वेश्चन में से। लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ, हर एक प्रॉब्लम को y इज इक्वल टू लेते जाना, जहां पे नहीं लेना है हम वहां बताएंगे। दो फंक्शन है, एक इम्प्लिसिट एक पैरामेट्रिक, उसमें y इज इक्वल टू लेने की जरूरत नहीं। वन बाय कॉस फाइव यू रेस टू यक्स दिए वाला है, वन बाय कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक, सेक बना दो, कोसेक इनवर्स ऑफ क्या है, वन बाय कॉस का कन्वर्शन रिसिप्रोकल सेक ऑफ फाइव यू रेस टू एक्स, रिसिप्रोकल काम आ रहा है यहां पे। अब देखो बाहर कोसेक इनवर्स है, अंदर सेक है, ऐसा नहीं चलेगा। बाहर कोसेक है तो अंदर भी कोसेक ही होना, उसे कन्वर्शन बोलेंगे। हम अभी बताए थे 90 कन्वर्शन फॉर्म, एक कोसेक को सेक में बदलना है ना, क्योंकि बाहर कोसेक है। तो हम क्या बनाएंगे, कोसेक ऑफ इनवर्स बाहर है, कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा, आंसर इज सेक थीटा। एक कोसेक को सॉरी सेक को कोसेक में बदल लेंगे, इसका वाइस वर्सा पार्ट क्या बनता, वही तो बनता, देख लो अभी। देयर फोर वाई इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एज इट इज, अंदर सेक निकाल दे अभी, कोसेक बना दे, बना दिए। ये एंगल पाई बाय टू माइनस फाइव रेस टू एक्स बनेगा, कोसेक 90 माइनस थीटा दैट इज सेक थीटा। और इसके आगे देयर फोर या सिंस बोल के और एक बार फॉर्मूला, कोसेक इनवर्स इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू आंसर इज थीटा, यानी कि कोसेक इनवर्स बाहर है अंदर कोसेक है, तो आंसर क्या आना चाहिए हम यहां पे निकाल के दिखाएंगे। देयर फोर वाई इज इक्वल टू आंसर पाई बाय टू माइनस फाइव रेस टू एक्स, इसे डिफरेंशिएट करना। बस डेरिवेटिव बहुत छोटा है, मगर कन्वर्शन अभी आज से चालू हो गया अपने, कन्वर्शन मस्ट भी है, वही तो प्रॉब्लम आते हैं एग्जाम को। डी वाई बाई डी एक्स पाई बाई टू का डेरिवेटिव जीरो माइनस एज इट इज, कॉन्स्टेंट एक्सपोनेंशियल का कॉन्स्टेंट एक्सपोनेंशियल इंटू लॉग कॉन्स्टेंट यानी कि लॉग ऑफ फाइव, क्या आ गया फाइनल आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव फाइव रेस टू एक्स लॉग ऑफ फाइव, खत्म। सेकेंड वन क्वेश्चन आज का देख लिए, मिटा दे। अभी थर्ड वन, सेवंथ वन क्वेश्चन में से थर्ड वन प्रॉब्लम, ट्वेल्थ प्रॉब्लम है, एक एक करके सॉल्व करना है।
थर्ड वन लेट वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉस ऑफ एक्स बाई टू दिए वाला है ना। अब देखो लाइफ फार्मूला हमने बताए थे, लाइफ फार्मूला दो है अपने पास, कौन से वन के साथ कॉस प्लस में आएगा तो उसका कन्वर्शन टू टाइम्स अप कॉस स्क्वायर हाफ एंगल होता है ना, राइट। और वन के साथ कॉस माइनस में है तो टू टाइम्स अप साइन स्क्वायर हाफ एंगल, ओके। जो भी एंगल दिए वाला है उसका हाफ होता, इसकी जरूरत नहीं है हमें, खाली फर्स्ट वन की जरूरत है। क्यों बताए सर वीर? कभी भी कहां पे भी यूज होता, बहुत बार यूज होने वाला है आज ही, तो भी हम बता दिए आपको रिमाइंड करने के लिए। कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉस ऑफ एक्स यानी कि टू टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है, राइट। डिनोमिनेटर में टू, टू टू मर गया, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर रूट भी हट गया, क्या बच गया? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू बच गया। कॉस इनवर्स इनटू कॉस दैट मींस y इज इक्वल टू एक्स बाई टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x मींस dy by dx इज इक्वल टू x बाई टू का डेरिवेटिव 1 बाई टू, खत्म। चले सेकेंड वन लिया जाए। फोर्थ वन प्रॉब्लम में लेट y इज इक्वल टू क्या दिए वाला है? फोर्थ वन प्रॉब्लम cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ वन माइनस cos x स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। हमने बताए थे अभी लाइफ फार्मूला वन माइनस cos का टू टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर बन जाता, इसीलिए y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ टू टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके। डिनोमिनेटर में टू एज इट इज, आई बात ध्यान में, टू टू रिजेक्टेड, साइन का स्क्वायर स्क्वायर रूट रिजेक्टेड, वाई इज इक्वल टू क्या बन गया? कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बन गया, राइट। अब बाहर कॉस है, अंदर भी कॉस बनाना है, साइन का कॉस करने के लिए 90 कन्वर्शन और सिंस बोल के हम लिख के दे रहे हैं, कॉस में देंगे, कॉस में बनाना है, कॉस 90 माइनस थीटा आंसर इज इक्वल टू साइन थीटा, सिंस है फॉर्मुलेटेड पार्ट, ओके। आपको बाउंड्री इसलिए लगाए, आपको लिखने आना, देयरफॉर वाई फंक्शन विल बिकम कॉस इनवर्स बाहर का एज इट इज, अंदर भी कॉस करेंगे और ब्रैकेट में यही एंगल को 90 माइनस बना लेंगे, बना दिए। व्हाट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इनटू कॉस है पाई बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसी का डेरिवेटिव निकालना है बच्चों, वाई का डेरिवेटिव डीवाई बाय डीएक्स और पाई बाय टू का जीरो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, यानी कि फाइनल आंसर क्या दे सकेंगे हम? माइनस टू एक्स। देख लो फोर्थ वन प्रॉब्लम फिनिश देख लिए, चलो फिफ्थ वन। फिफ्थ वन प्रॉब्लम में सेवंथ वन क्वेश्चन में से दिए वाला फॉर्म क्या है? फिफ्थ वन, आज का फिफ्थ वन प्रॉब्लम सेवंथ वन में से क्या है? लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वन माइनस tan x बाय टू डिवाइडेड बाय वन प्लस tan x बाय टू। tan और tan वन के साथ कभी भी आएगा ना, डिनोमिनेटर के वन का कुछ भी चेंज मत करो, मगर न्यूमेरेटर के वन का चेंज, वन इज इक्वल टू टेन 45 डिग्री पाई बाय फोर कर सकते ना तुम, यस।
therefore y is equal to tan inverse of numerator में 1 replaced by tan pi by 4 minus tan x by 2 divided by ये 1 को हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि कंपाउंड फॉर्म बनाना है हमें प्लस एज इट इज ये tan के साथ 1 मल्टीप्लाई लिए तो कुछ इफेक्ट नहीं गिरेगा हमारे मैथमेटिकल स्टेप पे इसीलिए ये वाले 1 की वैल्यू tan pi by 4 लिख सकेंगे क्या होता इससे लिखे तो सर tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b फार्मूला कंपाउंड फॉर्म का क्या होता हम लिख के दिखा रहे अभी tan of a minus tan of b by 1 plus tan a tan b की वैल्यू tan of a minus b कर सकते हैं हम डायरेक्टली इसे a कंसीडर करें इसे b कंसीडर करें तो y फंक्शन क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a माइनस b a किसे कंसीडर करें पाई बाय 4 को b x बाय 2 को tan इनवर्स इनटू tan देयरफॉर y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 आ रही है बात समझ में देख लो नहीं आ रही है कमेंट्स तो डिफरेंशिएट यहां पे बनाना है विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to pi by 4 का 0 minus x by 2 का 1 by 2 x का कोएफिशिएंट 1 by 2 बनेगा dy by dx is equal to answer is minus 1 by 2 finish fifth one problem चलो sixth one लिया जाए अभी sixth one problem के लिए ये मिटाना चाहते हैं हम थोड़ा बड़ा हो सकता है triple angle form है उसमें मिटाए अभी चलो फिफ्थ वन खत्म हो गया अभी सिक्स्थ वन चालू है क्या है सिक्स्थ वन ये वाला लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय इनवर्स में अपना एक्सरसाइज का ही पार्ट इनवर्स चालू है 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब ऑफ 2x माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 2x बात ध्यान में लेने जैसी है सिंस बोल के हम एक फार्मूला लिखेंगे ट्रिपल एंगल cos के बारे में 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब ऑफ x माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x देख लो ट्रिपल एंगल है यहां पे भी x बना देंगे ट्रिपल एंगल है तो x x बनता x x है तो उसका ट्रिपल बन जाता बात आई है समझ में देख लो 4 टाइम्स ऑफ cos 2x ऑलरेडी उसका ट्रिपल बनाना पड़ेगा 3 टाइम्स ऑफ cos उसका ट्रिपल एंगल बनाना पड़ेगा देयरफॉर y फंक्शन कैसे दिखेगा cosec इनवर्स ऑफ 1 बाय cos ऑफ ट्रिपल एंगल ट्रिपल बोल के 3 लिख दिए एंगल क्या दिए वाला है 2x इसका मतलब cos ट्रिपल एंगल ए 3x बनाए यहां पे xx था इसलिए ट्रिपल 3 को x से मल्टीप्लाई यहां पे 2x 2x है एंगल बोल के हमने 2x ले लिए तो y इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ क्या बनेगा 1 by cos is the reciprocal of sec और angle 6x बनेगा बाहर cosec है अंदर sec है sec को cosec बनाना है तो y is equal to 90 conversion use में आएगा cosec of 90 minus 6x formula तो बताया वाला है starting में ही बताए cosec inverse into cosec बाहर भी अंदर भी बना लिए हम तो y की वैल्यू क्या निकाल देंगे पाई बाय 2 माइनस 6x डिफरेंशिएट करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx यानी कि
पाई बाई टू का डेरिवेटिव जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट है उसके पास, x नहीं है। 6x का डेरिवेटिव 6 कोएफिशिएंट है, यानी कि आंसर इज माइनस 6 dy बाई dx इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस 6। खत्म। चलो सिक्स्थ वन खत्म हो गया, अब सेवंथ वन। सेवंथ वन के लिए क्या है देखेंगे, एक एक करके हम बहुत स्लो जा रहे हैं। सेवंथ वन ये पूरे के पूरे ओरल है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस x बाय टू, और सॉरी x बाय थ्री है प्रॉब्लम में, x बाय थ्री 1 नो ओनली साइन ऑफ x बाय थ्री इज देयर, लाइक फार्मूला आ गया। Therefore, y is equal to tan inverse of like formula 2 times of cos square, half angle, है ना? ये है x by 3, समझो 1 के साथ 2 times of cos of 2 theta आएगा, तो 2 times of cos square theta बनाते हम, है ना? Right? इसीलिए x by 3 का हाफ बनाना यानी 2 से डिवाइड करना, क्या हो जाता x by 3 to the 6, यानी कि x by 6 divided by ये ऊपर का जो numerator का पार्ट है हाफ में बदल गया, नीचे का भी तो बदलना है, sin डबल एंगल का हाफ एंगल फॉर्म यहाँ पे बना के दिखाएंगे। साइन डबल एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा आता। यहाँ पे खाली थीटा लेंगे तो यहाँ पे थीटा बाय 2 बन जाता। दिए वाला एंगल x बाय 3 है, 2 टाइम्स ऑफ साइन x बाय 3 का हाफ एंगल x बाय 6 कॉस x बाय 6। आइए बात समझ में, एक टू टू मर गया, एक एक कॉस मर गया, कॉस बाय साइन यानी कि टेन इनवर्स ऑफ कॉस बाय साइन कॉट बनेगा, कॉट, ये कॉट को टेन बनाना है, 90 कन्वर्शन यूज होते हैं, इसीलिए y इज इक्वल टू हम टेन इनवर्स बाहर रखेंगे अंदर भी टेन बनाएंगे, पाई बाय टू माइनस एक्स बाय सिक्स लिखेंगे। ओके, तो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, टेन इनवर्स टेन है इसीलिए पाई बाय टू माइनस एक्स बाय सिक्स मिलेगा। इसे डिफ्रेंसिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाय टू का जीरो नहीं लिखेंगे आप, माइनस x by 6 का, जैसे कि x by 2 का 1 by 2 निकाल देते हैं, x by 6 का क्या निकाल सकेंगे, 1 by 6 final answer। देख लो पहले 7th one देख लिए, अब 8th one, 8th one का part क्या है वो देखो, 8th one problem pause करके बाद में फिर से लिख के लेना। 8th one problem y is equal to क्या है, 8th one cot inverse of क्या दिए वाला है, sin of 3x by 1 plus cos of 3x, आया 1 के साथ cos plus में, नीचे denominator में like formula यूज कर दिए तो क्या बनेगा, 1 plus cos यानी 2 times of cos square angle का half 3x by 2, denominator का part half में बन गया, न्यूमेरेटर भी बनाना है अभी के जैसा, 2 टाइम्स ऑफ साइन हाफ और इनटू में कॉस हाफ बना दिए हम, ये 2 2 रिजेक्टेड, कॉस कॉस रिजेक्टेड, साइन बाय कॉस रह गया अभी, क्या होता साइन बाय कॉस वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ दैट इज टैन 3x बाय 2। ओके, बाहर cot इनवर्स है अंदर tan इनवर्स tan है, नहीं चलेगा, cot बनाना है, cot बनाने के लिए
90 कन्वर्शन फॉर्म आ गए, y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cot ऑफ 10, का ही cot लिख देंगे हम, cot cos नहीं, पाई बाय 2 माइनस 3x बाय 2, ओके, cot इनवर्स इनटू cot आने की वजह से y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 3x बाय 2 कर सकते हैं। आई बात ध्यान में, इसे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इज इक्वल टू पाई बाय 2 का 0 माइनस 3x बाय 2 का माइनस 3 बाय 2, x का कोएफिशिएंट है वो, खत्म, 81 प्रॉब्लम खत्म। चलो कुछ दिक्कत तो नहीं है, है तो भी कमेंट्स में दे दो। चलो 9th प्रॉब्लम क्या है, 7th क्वेश्चन में से 9th प्रॉब्लम, लेट y इज इक्वल टू 9th tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में cos ऑफ 7x बाय 1 प्लस sin ऑफ 7x, हमने बताए थे 1 के साथ साइन कभी भी आएगा, 11th से बता रहे हम, अब 12th में भी बताए थे भैया, बहुत बार बताए थे 1 के साथ साइन जब कभी आएगा उसका 1 का कन्वर्शन फंडामेंटल देना, और किसके डिपेंड्स पे देना, साइन के एंगल के डिपेंड्स पे देना, यानी कि क्या, देख लो हम बना के दिखा रहे हैं आपके लिए, देर लगेगा तो भी चलेगा। साइन का कन्वर्शन क्या आता, यहां पे लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ हाफ एंगल साइन ऑफ 7x बाय 2 और कॉस 7x बाय 2 एंगल में, ये 7x बाय 2 हम साइन स्क्वायर 7x बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर 7x बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 की जगह दे दिए ऊपर, ये नीचे वाला पूरा फॉर्म डिनोमिनेटर का हाफ एंगल में बदल गया, इसीलिए कॉस को पूछो तेरा हाफ एंगल क्या है, कॉस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस साइन स्क्वायर हाफ एंगल, खत्म। ये बात आपको आना पड़ेगा, एलेवेंथ में है, हम यहां पे लिख के दे रहे हैं कॉस ऑफ डबल एंगल इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये बात फॉर्मुलेटेड है, चार है ऐसे, हम जो भी यूज करें वह पार्ट हम लिख के दे रहे, साइन डबल एंगल इज इक्वल टू, डबल रहने दो कुछ भी रहने दो, उसका हाफ बनाना, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, ये दूसरा वाला पार्ट है साइन के बारे में, यहां पे लिख के दिए ऊपर क्या कर सकेंगे अभी, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर का फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या एक्सपेंड होता, कॉस 7x बाय 2 प्लस साइन 7x बाय 2 वन ब्रैकेट, अदर ब्रैकेट क्या बनेगा, कॉस 7x बाय 2 माइनस साइन 7x बाय 2 डिनोमिनेटर में, ए एक एक्सपेंड है किसका, कॉस 7x बाय 2 प्लस क्यों लिखे, माइनस क्यों नहीं, 2 को साइन लगे वाला है प्लस, इसलिए प्लस साइन 7x बाय 2 होल स्क्वायर का एक्सपेंड है कि नहीं, देखो फर्स्ट टर्म स्क्वायर कॉस स्क्वायर एंगल को एंगल, फर्स्ट इनटू सेकंड इज डबल, फर्स्ट इनटू सेकंड इज डबल, सेकंड टर्म स्क्वायर, सर आगे पीछे है ना, कुछ नहीं होता, प्लस में तो है, अब क्या करेंगे, ये प्लस का एक ब्रैकेट और नीचे का डिनोमिनेटर का प्लस का एक ब्रैकेट उड़ा देंगे, y इज इक्वल टू क्या बन गया, cos माइनस sin cos प्लस sin, जब कभी sin cos रेशियो में प्लस माइनस में आ जाएगा ना, cos से डिवाइडिंग करने का cos बाय cos, दैट इज ये बाहर क्या है,
देयरफॉर वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ है, वो टेन इनवर्स एज इट इज रखना, कॉस बाय कॉस वन, साइन बाय कॉस यानी टेन, एंगल को एंगल, डिवाइडेड बाय कॉस बाय कॉस वन प्लस साइन बाय कॉस यानी टेन। ओके, जब कभी टेन वन के साथ आता, वन की वैल्यू क्या दे दो, टेन 45 डिग्री, 45 को हम पाई बाय 4 लिखेंगे, कंपाउंड बनेगा। Therefore, y is equal to tan inverse of ये अंदर वाला ही फंक्शन tan pi by 4 minus tan 7 x by 2 divided by ये 1 as it is, 1 को हाथ नहीं लगाना, ये tan के साथ मल्टीप्लाइड में 1 लिए तो कुछ इफेक्ट गिरने वाला नहीं है, इसका मतलब 1 की वैल्यू हम और से pi by 4 tan pi by 4 यूज कर सकेंगे, क्योंकि कंपाउंड फॉर्म बनाना मस्ट भी है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b, बात समझ में आई। और y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a माइनस b, न्यूमरेटर में माइनस है, पाई बाय 4 माइनस 7x बाय 2, tan इनवर्स इनटू tan मिल गया, इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पाई बाय 4 माइनस 7x बाय 2, इसका डेरिवेटिव निकालना है, इतना देख लो पहले, देख लिए तो चलो इसका डेरिवेटिव हम आगे निकालेंगे। आप क्या निकाल सकेंगे, डेरिवेटिव ओरल है, आपको भी आता, हमें भी आता है ना, y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 7x बाय 2 का डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं, एक कंफर्म करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू पाई बाय 4 का 0 माइनस 7 बाय 2, x का कोई भी साइन, खत्म, नाइंथ वन प्रॉब्लम खत्म हो गया। चलो टेंथ वन देखेंगे, अभी क्या है टेंथ वन, टेंथ वन का पार्ट बहुत छोटा प्रॉब्लम दिख रहा है हमें, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, दो के दो जगह लाइक फार्मूले है, छोटा है, बाहर क्या है tan इनवर्स, हम एक इनवर्स का पार्ट भूल जा रहे, भूलना नहीं एग्जाम में आप लोग, यहाँ पे tan इनवर्स एज इट इज अंडर रूट एज इट इज 1 प्लस कॉस का लाइक फार्मूला, 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल दिए वाला x है, x का हाफ यानी x by 2, डिनोमिनेटर 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस है, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एंगल का हाफ बना दिए हम, 2 2 रिजेक्टेड, साइन का स्क्वायर स्क्वायर रूट, कॉस का स्क्वायर स्क्वायर रूट रिजेक्टेड, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या रह गया, cos by sin यानी cot ऑफ x by 2 रह गया, बाहर tan इनवर्स अंदर cot नहीं चलेगा, ये cot को tan बनाना है, कैसे बनाना, 90 माइनस कन्वर्शन, therefore y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है आए वाला x by 2, तो चलो आ गया आंसर, बाहर tan इनवर्स अंदर tan है, पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, डिफरेंशिएट बनाओ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इज इक्वल टू पाई बाय 2 का 0, x बाय 2 का माइनस 1 बाय 2, खत्म, देख लिया। तो चलो अब 11th वन प्रॉब्लम क्या है देखने जा रहे हैं, 11th प्रॉब्लम में ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, छोटा सा ये है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cosec ऑफ x प्लस cot ऑफ x, चलो इसे भी कन्वर्ट कर दो, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा, इसका फॉर्मुलेटेड पार्ट क्या रखना चाहते हैं वो रखो, 1 by sin reciprocal of sin that is the cosec, cosec के लिए हम 1 by sin लिख सकते हैं reciprocal होने की वजह से, cot tan का reciprocal tan यानी sin by cos, और cot बोले तो cos by sin,
चलो बन गया, ये एडिशन करना है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, दोनों साइन में से एक साइन लिए, ऊपर की एडिशन न्यूमरेटर न्यूमरेटर की, आ गया लाइक फार्मूला, 1 प्लस cos का लाइक फार्मूला क्या पुट करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x by 2, लाइक फार्मूला हमने खुद नाम दिए हैं, क्योंकि 12 के हर एक पेज पे 1 के साथ cos प्लस में, 1 के साथ माइनस में, बहुत बार प्रॉब्लम में आए वाला है, हर एक पेज पे 4 5 8 10 20 जगह पे है, इसलिए तो हम 12 की बुक पढ़ के लाइक बना सकते हैं, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर का पार्ट हाफ एंगल बन गया, डिनोमिनेटर भी हाफ एंगल बनाना है, क्या बना सकते sin x का, 2 टाइम्स ऑफ sin x / 2 cos x / 2, खत्म, 2 2 रिजेक्टेड, 1 1 cos रिजेक्टेड, cos / sin बन गया, cos / sin यानी cot ऑफ x / 2, बाहर tan इनवर्स है, अंदर cot है, नहीं चलेगा, क्या बनाएंगे, 90 कन्वर्शन बनाएंगे सर, हम एक के बाद एक पूरा क्वेश्चन क्यों ला रहे रोज के रोज प्रेड में, इसकी वजह ही यही है कि बार बार हमारा व्यू वीडियो व्यू करके देख के आपको एक ट्रिक्स मिल जाती, हिंट मिलती, ऐसा तोड़ के प्रॉब्लम लाए तो आपके अंदर हिंट नहीं मिलने वाली, इसीलिए हम एक के बाद एक पूरे प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व करके दिखाना चाहते हैं। tan इनवर्स इनटू tan, tan में pi by 2 माइनस x by 2, क्यों cot का tan बना है, क्यों बनाया tan, बाहर tan इनवर्स आया, y is equal to tan इनवर्स tan आया, इसलिए pi by 2 माइनस x by 2, इसे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, dy by dx is equal to pi by 2 का तो 0, minus as it is x by 2 का 1 by 2, खतम, 11th one खतम, आज का last one 12th one problem, थोड़ा बड़ा है, बहुत interesting है, आपको hint मिले वाली है, तो भी remind करो, आज के आज 12th one problem, let y is equal to बाहर cot इनवर्स दिए वाला है, अंदर फर्स्ट वन अंडर रूट फ्रॉम 1 प्लस साइन ऑफ 4x / 3 प्लस, और दूसरे अंडर रूट में 1 माइनस साइन ऑफ 4x / 3 डिवाइडेड बाय यहां पे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x / 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x / 3, दो तीन मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, तो भी एक इजीली मेथड बोल के हम क्या बनाएंगे, थोड़ा सा पार्ट डिटेल बनाना चाहेंगे, y is equal to cot inverse of 1 के साथ साइन आ गया तो कन्वर्शन क्या देना है, फंडामेंटल देना है सर, 1 का हाफ एंगल यूज करके, ये देखो 4x / 3 का हाफ एंगल बनाओ, 4x / 3 का हाफ एंगल यानी कि क्या बनेगा, 4x / 6 बनेगा, यानी 2 1 2 2 4 2 3 2x / 3 बनेगा, 2x / 3 sin square 2x / 3 plus cos square 2x / 3, ये 1 का फंडामेंटल बना दिए, और sin का क्या बनाएंगे, plus 2 times of sin of 2x / 3, यही एंगल रहेगा, इसका हाफ एंगल बोले तो 2x / 3 cos of 2x / 3, खत्म, ये न्यूमरेटर का एक पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट उधर के प्रॉब्लम मिटा दे अभी, चलो तुम देख लिए, देख ली हम ये प्रॉब्लम पूरा,
करके ही आज का लेक्चर एंड करना चाहेंगे। आप भी वैसे ही तैयारी से पूरा व्यू करने का, समझ में आएगा। वन का कन्वर्शन 4x/3 का हाफ एंगल अगेन 2x/3 है ना, साइन स्क्वायर 2x/3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x/3 और माइनस है माइनस साइन 4x/3 का हाफ एंगल बना दो, 2 times ऑफ साइन 2x/3 कॉस 2x/3 खत्म। और बहुत बड़ा है, हार्ड हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी। देख लो, आपको एक बार हिंट याद आ गई कि ऐसे प्रॉब्लम छाटचूट लगेंगे आपके लिए। चलो नीचे आप डिनोमिनेटर में वही बात, साइन स्क्वायर 2x/3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x/3 प्लस 2 times ऑफ साइन 2x/3 कॉस 2x/3 अगेन माइनस अंडर रूट एज इट इज, साइन स्क्वायर 2x/3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x/3 माइनस है माइनस 2 times ऑफ साइन 2x/3 कॉस 2x/3 खत्म। बात आई ध्यान में? यस। अब देख लो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा, कंपाउंड नहीं, ये एक एक्सपेंड है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फर्स्ट इनटू सेकंड इट्स डबल सेकंड टर्म स्क्वायर, कैसे भी बना लो। अंडर रूट में कॉस 2x/3 प्लस साइन 2x/3, हमने कॉस पहले लिए, आप साइन भी ले सकते हैं इस जगह पे, हमने प्लस लिए, आप भी प्लस ही लेना, साइन प्लस कॉस करो या कॉस प्लस साइन करो कुछ इफेक्ट नहीं गिरेगा, मगर 2 को प्लस है तो ब्रैकेट प्लस में लिखो, ओके। ये प्लस एज इट इज, और दूसरा वाला अंडर रूट क्या बनेगा देख लो, कॉस 2x/3 माइनस साइन 2x/3 होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर की बात वही तो बनाया जाएगा सर, अंडर रूट में कॉस 2x/3 प्लस साइन 2x/3 होल स्क्वायर, यस माइनस एज इट इज क्योंकि दोनों में माइनस है, अंडर रूट कॉस 2x/3 माइनस साइन 2x/3 होल स्क्वायर। चलो अब ये वाली स्टेप कंप्लीट हो गई, देख लो आप ये स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट हटा लिया, क्या बन गया अभी, y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ, बाहर cot इनवर्स है अंदर देखो cos 2x/3 प्लस sin 2x/3 प्लस है, कुछ इफेक्ट गिरने वाला नहीं आगे, cos 2x/3 माइनस sin 2x/3 डिनोमिनेटर, cos 2x/3 प्लस साइन 2x/3 मगर ये माइनस है माइनस, ड्यू टू दिस वन माइनस चेंजेस ऑल साइंस टू द नेक्स्ट वन टर्म सेकेंड वन टर्म, ये कॉस माइनस हो जाएगा प्लस था और ये साइन माइनस था, ये माइनस की वजह से प्लस साइन ऑफ 2x/3 ब्रैकेट क्लोज। अगली बात ध्यान में, हम ये मिटार दे अभी, चलो अपना ये लास्ट वन प्रॉब्लम है, कुछ डरने की बात तो नहीं, माइनस साइन 2x प्लस साइन 2x/3 प्लस कॉस 2x/3 माइनस कॉस 2x/3 क्या आंसर, क्या बन गया, y इज इक्वल टू बाहर cot इनवर्स cos प्लस cos यानी 2 times ऑफ cos 2x/3 डिवाइडेड बाय साइन प्लस साइन यानी 2 times ऑफ साइन 2x/3 ओके।
टू टू रिजेक्टेड कॉस बाय साइन आगे यहाँ पे बनाएंगे हम आंसर चलेगा ओके। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू बाहर कॉट इनवर्स है लिख दिए हम कॉस बाय साइन यानी कॉट ही बनेगा कॉट टू एक्स बाय थ्री बाहर कॉट इनवर्स अंदर भी कॉट इनवर्स यानी कि वाई इज इक्वल टू टू एक्स बाय थ्री मिलेगा। अब भी यहाँ पे डेरिवेटिव इतना ही है देख लो ना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स दो ही स्टेप में डेरिवेटिव है टू बाय थ्री का कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट टू बाय थ्री है यानी कि डेरिवेटिव क्या निकलेगा टू बाय थ्री दो स्टेप में डेरिवेटिव मगर ये पूरा क्या है हिस्ट्री ट्रिग्नोमेट्रिक हिस्ट्री है इसीलिए तो हम बताते हैं 11 से लेक्चर करना मस्ट भी है। तो भी आप लोगों को डरने की कुछ बात नहीं आपको जो भी पार्ट 11 का होना YouTube पे जाओ मैथ्स इज लाइक बरकाडे सर टाइप करो जो होना ओ मंगो आपको YouTube लेके आएगा आपके सामने ओके। इस तरह से अपना 7th क्वेश्चन फ्रॉम 2nd एक्सरसाइज ऑफ द डेरिवेटिव टॉपिक चैप्टर लेसन वी हैव फिनिश्ड वी विल सी नेक्स्ट 1 इन नेक्स्ट 1 पीरियड तब तक के लिए बाय बाय।